अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ नवीद कसूरा, तो तुसा यूट्यूब चैनल पे आए सरैक के रिपोर्टर। अज बड़ा मैं खुश हाँ, मेरे को बहु वड़ी ईदी मिली है सवेरे। पहली दफा इतनी वड़ी ईदी मिली है, तो आपको पता नहीं ईदी मिली है या नहीं मिली, और बड़ा मैं खुश हाँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, और जिम्मे याद ना, मैं ई लाख बुरा चाहे मगर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाल ही ची कल तुसा मेरे स्टेटस डिठे होसन फेसबुक पे भी, तुसा स्टोरीज वगैरह डिठी होसन कि मैं फैसलाबाद गया मैं, और फैसलाबाद मैं क्यों गया मैं आज तक तो मैंने सहसा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते पैन कमेंट्स करते पैन फेसबुक पर कि फैसलाबाद क्यों गए वे अचानक, क्योंकि ईद ते हर चीज़ बंद होती है, तुसा किवें ईद ते फैसलाबाद चले गए वे, क्योंकि हर बंदा टूर ते मैंने टूर ही बंद हैं कुछ ही कहना जी। मैं फैसलाबाद गया, अज मैं तो दसा क्यों मैं फैसलाबाद गया, ये सारिया तेरे भरावान की मुहब्बत हैं कि मैं क्यों फैसलाबाद गया गया, उमें नॉर्मल बना हर बंदा होता फैसलाबाद, मैं क्यों गया, मैं वो खास गया, ये जब बंदे बड़े कम बहने होते हैं जेड़ा तुम चैनल पे सरैके रिपोर्टर ये है जिन्हें जिन्हें मालिक हैं वो भी फैसलाबाद दिन उन्होंने मैं क्यों चैनल अपना दिता उन्हें ऑर्डर किया कि भाई जान तुम सरैकी टाक तो बहुत अच्छा काम करते पे, तो असें सरैकी टाक तो को फैसिलिटीज ना मिल सन कि तुस अपने आप को ग्रो कर सको, अपने आप को बुलंदियां तक गिन के बैसो। मैं चाहना कि तुस मेरे नाल काम करो, मेरे चैनल पर काम करो, क्योंकि वो भाई भी सरैकी हैं, सरैकी लोगों नाल बड़ी मुहब्बत करें दिन, और दिन मैं एक बहुत वाला प्लेटफॉर्म बनाना चाहना, और मैं तक को सिलेक्ट किया है, और मैं चाहना कि तुम ईद तो पहले पहले वैसे तो ना कि ईद तो बाद असें अपना प्रॉपर काम शुरू करे सो, मैं चाहना कि ईद तो पहले पहले तू ट्रायल अपने दे दे, वीडियो कुछ दे दे उन्होंने को, मैं तकरीबन सरैकी रिपोर्टर तुसें डिठी होने मैं वीडियो दी है, और अच्छे व्यूअर हैं तुसा भाई सपोर्ट की है, और मैं को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। उन्हें ईद अली मेरे को मैसेज किया कि नवीद भाई ईद इस वेरी तुम सारे नाल मनाओ, मैं क्या भाई जान ईद तो मैं अपने फैमिली नाल मनाई स, क्योंकि ईद साल बहुत कम दो दफा आदि और लोग अपने घर मना, और मैं अपनी फैमिली नाल वैसा मैं तकरीबन तक त्रै दिन बाद असें ईद हो सके, नहीं नहीं नवीद भाई असें बड़ी शिद्दत नाल इंतजार करने पे कि असें अगर पहले तो कुछ सरवाया नहीं से, क्योंकि रमज़ान शरीफ है और तुसा बड़े डिस्टर्ब थी हुआ रोजे नाल आवन मन वातों को, असें भी ब्रीफ ना कर सकूँगा, और असं इंतजार करेंदे रहे हैं कि तुसा किवें ही अपना ईद आवे तो मुलाकात थी, और अलहमदुल्ला पहले मेरी लाइव अपना मुलाकात नहीं थी, पहले जस्ट उन्होंने मेरे को यूट्यूब पर डिठा आई, और उन्होंने मेरे को कॉल वगैरह की थी आई, उतना मैं उन्होंने सिलेक्ट किया, उन्होंने चैनल लिता सरैकी रिपोर्टर, उतना मैं काम किया, और तेरे भरावान की मुहब्बत मेरे को खेन गई है फैसलाबाद, और उन्होंने इस टाइम नवा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का आख्या, उन्होंने ये आख्या है कि अपना असें सरैकी जबान को प्रमोट करना है, और इन फिलहाल तुसा कले हो सो, और आहिस्ता आहिस्ता तुस आप बंदे सिलेक्ट करे सो, और सरैकी जबान ते जितना अच्छा काम हो सी तुसा अपना सर्चिंग वगैरह करे सो, और सब कुछ दसो अस चीज़ें तो प्रोवाइड करे सो। फिलहाल उन्होंने मेरे को ये दसा है कि तुसा डेली देख वीडियो अपलोड करनी है, और वीडियो तुसा देख गिनो बिजनेस ते कर गिनो, इंटरटेनमेंट ते कर गिनो, और अपना कोई चीज़ जैसे एडवर्टाइज होती उस चीज़ ते कर गिनो, और इस अलावा तो जड़े जड़े मजीद अच्छे टॉपिक लग सन, और लोग जो तो देखना पसंद करे सन टॉपिक प्रोवाइड करे सो, जस्ट साढ़ा उन्होंने मिशन है कि सरैकी चैनल सरैकी लोग प्रमोट थी, और उस तो इलावा हाए मज़े मज़े, मैं इस टाइम बड़ा खुश हाँ, मैं इवें हूँ आज फैसलाबाद जो हूँ पहुँचा, और मैं आखिया पहले अपने नाज़रीन को खुशखबरी देव, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कॉल के मैसेज आने पैन कि नवीद भाई खैरियत खैरियत वे लोग बढ़ गए वे ये थी गई है वो थी गई है, और तुसा लिफ्ट नहीं वे करवाते पे, मैं आख्या यार मैं तो बहने नाल ही जिम्मे मुल्तान पहुँचता पे, क्योंकि तुसा मेरे डे दे पैसे अखी इस टाइम जगारे तुए ने, क्योंकि मैं ईद की ड्यूटी जाड़ गई हाँ, मैं उन्हें बकायदा कार भेजी आई आए कार ए सी वाली कार, और मोटरवे तो गया से मोटरवे का भी विजिट किया, उन्हें ही तो अस शेयर करे सो, वो भी मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाया, और मैं कल एडिट वगैरह करे सो, उन्हें तो दसे सो उतना किमें किमें मोटरवे और किस तरह दिन, और नवाज शरीफ ने उसते किमें काम किया, और इस तो इलावा उत्थे कि फैसिलिटीज होंगे कि गलों का ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ दसेसों कल या परसों तक इंशाल्लाह, और वीडियो बढ़ वैसे क्योंकि हूँ भी तकरीबन 12 बज गई है, और मैं वीडियो एडिट वगैरह करना करना 1 बज वैसे कल रेस्ट करे सो, कल शाम तक या परसों वो भी तक वीडियो मिल वैसे, हूँ असें काम क्या करना है, उन्हें काम में आकर डेली तुम एक वीडियो अपलोड करनी है, और उस तो इलावा फेसबुक पेज सरैकी रिपोर्टर है जरा
और जिहड़ा चैनल तुसां दे पए सराकी रिपोर्टर, इन्हें उत्ते डेली एक वीडियो आसी, वो तुसां वेली वीडियो पे सो टॉपिक तो मैंने सारे तो निकले टॉपिक पसंद करे सो। उस तो अलावा उन्हें आख्या तुसां अद्धा घंटा डेली लाइव आना है। लाइव है तुसां की आना है, लाइव है तुसां अपना सराकी दे खबर तुसां नॉर्मल सुनगे सो, मुख्तलिफ चैनल दियां और इन्फॉर्मेशन गिनगे सो खबरों की, किवें कि अज के फर्ज किया अज 13-14 तरीक जितनी है वो देखें सो, अज इस डेट है क्या क्या थी है मुल्क क्या थी है, और वो तुसा तकरीबन 15 मिनट वो हेडलाइंस हेडलाइंस मीन एक तो प्रॉपर चलती रहने तुस अपने अल्फाज सराकी जबान जो खबर लाइव चल सो तकरीबन 15 मिनट, और उस अलावा 15 मिनट बाद 7 to 8 मिनट तुम कमेंट्स देख सो कि लोग तो क्या कमेंट्स किए पेनों क्या देखना पसंद करें उन्होंने रिप्लाई करे सो, और 5 मिनट तुसा अजीबो गरीब तुसा और दसे सो कि अपना क्या क्या थी है अपना अजीबो गरीब, जैसे होने के फिलहाल बच्चे ने ये कर दिया गैर मुल्क में ये हो रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान में ये हो रहा है, इस तरह ने मैं सराकी तो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करे सर। और उस तो अलावा उन्हें कह के तुसा एक प्रोग्राम तश्कील लो जिम्मे आफताब इकबाल का प्रोग्राम आता इस तरह जानी है फैसलाबाद 24 आन उस तरह के प्रोग्राम तुसा एक बढ़ाओ तुम एक्टर तलाश करो, तुसा एक छोटे लोगों को अपना सिलेक्ट करो उन्हों को तैयारी कराओ, क्योंकि उन्हों का मेन मकसद ये है कि तुम सराकी लोग जोड़े हैं ना छोटे छोटे लेवल वाले लोग उनको रहनुमाई मिले और तरक्की कर सकन, उससे तुसा फनी प्रोग्राम बढ़ाओ तकरीबन 10 to 12 मिनट का प्रोग्राम हो, मुख्तलिफ बाल वगैरह जिम्मे होंगे नॉर्मल छोटे बाल भी ना 10+ एज के जोड़े होंगे और ज़्यादा बुजुर्ग भी नवन क्योंकि तारे लेवल उत्ते चले हुए सन तुसें भी नवे वे, तुसों फनी प्रोग्राम बढ़ाओ वो भी सबको हफ्ते 2 प्रोग्राम चाहिए वो मैं ना को 2 हफ्ते 2 प्रोग्राम देने और डेली आधा घंटा लाइव चलना जरा फेसबुक पर भी चल सन यूट्यूब पर भी चल सन और तक रहनुमाई दे सन नवी ताज़ी दे सन, और लाइव का मैं हम तरह मशरा ही करना है लाइव मेरे ऑफिस है जो दे लाइटा वगैरह लगी हुई तो मैं लाइटा भी दिखे ना इस टाइम ही मैं एसी चला के बैठा क्योंकि गर्मी बड़ी है लाइटा जिस टाइम मुँह पर पाँदियाँ और गर्मी वैसे थी मेरी एक तो ये ऑप्शन है, दूजे लाइव का ये ऑप्शन है कि मुख्तलिफ मैं लोगों को डिठे और पार्क वगैरह स्टैंड वगैरह सॉरी स्टिक वगैरह ना मोबाइल पकड़ा होता तो थाई लाइव चलते वजन एक्सरसाइज भी करेंदन और नाल तो खबर सुनते वो भी तुम मेरे सो मैं किमें चलना, और बाकी तुम मेरे दुआ करे सो कि मैं अल्लाह ताला मैं कोई इस जी स्टेज पर मेरे को जिम्मेदारियां मिली मैं इस पूरा उतरा, और बाकी तुसा बिरा मेरे मुहब्बत करे सो और सराय खास तौर सराकी बिरा जड़े हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा तावन करे सन क्योंकि मैं तुहाड़ी घर एक आम बंदा और मेरे लायक कोई भी हुक्म करे सो तो मैं हाजिर थी सा, और इस तो अलावा मैं फैसलाबाद का विजिट किया फर्स्ट टाइम गया जिमें उस आख्या है ना जिन्हें लाहौर नहीं उठा वो जमया ही नहीं, फैसलाबाद बड़ा प्यारा शहर है और ख़ास तौर मैं ज़्यादातर इतने चीज़ें बनना एक तो बिजनेसमैन लोग ज़्यादा पैन बिजनेस तुसा भी करो क्योंकि नौकरियां अजकल इमरान खान उम्मीद नहीं देना पिया और तुसें भी उसते उम्मीद ना रखो, और उस तो अलावा नॉर्मल बंदा तुसें इतनी देर बोल सकते वे बोल तो सकते हो सो पर हाल कैमरे तक इतना बोलना बड़ा मुश्किल है, और मैं इस वजह तो अपना चाय ना रखी बैठा कि नाल गला खराब वगैरह ना थी वे, फैसलाबाद की गल थी नहीं पे फैसलाबाद बहुत प्यारा मेरे को सिटी लगा साफ सुथरा और उन्हें खास तौर चीज़ा मेरे तुसे नाल कैमरा चलता पियो सी और तुसे देख सो उतों की मस्जिद मैं तकरीबन मैं जिस रोड पर गया ज़्यादा टाइम तो है ही कौन और दुकाना भी बंद न जिस रोड पर मैं गया ना उस रोड पर जड़ियाँ 4 to 5 मस्जिद आई ना वो बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग थी और बहुत ही मेरे को प्यारी लगी हैं, और एक कप भी टंगा हुआ आई वो भी बहुत माशाल्लाह मेरे को अच्छा लगे, और उस तो अलावा हूँ सराकी जड़े एक तो लाइव दे सारी तक खबर चल सन, उस तो बाद वीडियो वास्ते तुसा कोई भाई अपना अपना नॉलेज कोई चीज़ अपना बिजनेस कोई अपनी चीज़ की एडवरटाइज करवे सो वो भाई फ्री एज करके दस तक एडवरटाइज, और उस तो अलावा जो फनी प्रोग्राम का है फनी प्रोग्राम का मैं आने नाल एक अपने कज़न है मेरा राणा तैयब सेठ तैयब है और उन्होंने मैं डिस्कस किया कि मेरे को यार 5 to 6 लड़के चाहिए जड़े कैमरे दे गप शप गाल कर सकन, उन्हें कहा यार वो लड़के तो हैं जितने आपसे मिल वैसे पर उन्होंने को तैयारी वगैरह नहीं कर सकते वो उन्हें बोल नहीं सकना, और मैं कहा यार वो बुलाना मेरा काम है मैं को भी बोलने का डा
ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਸਾ ਬਿਹਤਰੀ ਥੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਿਟ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਟਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਨੀ ਹੈ ਸੱਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਕਰੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਫਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਚੱਲਣੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਸੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।